अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। दोबारा से मेकअप करवा के अभी आए हैं। आज लास्ट फंक्शन है, आज वलीमा है और आज ज़रा थोड़ा सियासी फंक्शन है और वी आर होपिंग के बलावल आए आज और कमर जमान कायरा साहब भी बिल्कुल वो तो आएंगे, लेकिन वी आर होपिंग के बलावल आए। सो फिंगर्स क्रॉस। सो या अभी मुझे तैयार होना है और बल्कि टाइम बिल्कुल नहीं रह गया, ज़रा जल्दी जल्दी करते हैं। आई एम रेडी, बस ये कांटे रह गए हैं पहने वाले और लेकिन वो मैं बाद में पहनूंगी, बहुत दर्द होती है कानों में इस वजह से। आज मैंने पहनी है लहंगा चोली, मामा ने पहनी है साड़ी और अब हम ये कांटे में पहन के चलते हैं शादी में। कल हम लेट हो गए थे, आज लेट नहीं होना बिकॉज हमें बहुत डांट पड़ी है मामा की वजह से। मिल गया है, हम बैठ गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आगे का क्या सीन्स वगैरह। मिल गई है टेबल फाइनली, इसके बारे में क्या कहना है, कितनी देर हम बाहर खड़े रहे हैं। रिसेप्शन में सभी ने इकट्ठे आना होता है ना। ब्राइड और ग्रूम आ चुके हैं और हॉल भी आहिस्ता आहिस्ता फिल हो रहा है, लेकिन अभी तक बिलावल साहब नहीं आए। कमर समान कायरा मुझे मामा ने नाम सिखाया था, बहुत मुश्किल से, मुझे किसी का भी नहीं पता एक्चुअली, तो मामा ने सिखाए अभी नाम, तो उनकी वजह से वो भी नहीं भी आए, लेकिन आई होप वो आए और मैं आप लोगों को दिखाऊँ। आज उनका कोई सीन नहीं है क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी खाना खा चुकी, मैं घर से खाना खा के निकली हूँ, तो आप मुझे भूख नहीं लग रही, सब खा रहे हैं लेकिन मैं नहीं खा रही। फाइनली मैंने सबके साथ मिल लिया। सर कायरा वॉज एन अमेजिंग पर्सन, उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत भी हुई एंड सर बिलावल थोड़े से टाइम के लिए आए थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेरी मीटिंग बन गई ऑब्वियसली जब वो स्टेज पे थे। मेरे स्टेज पे मामू ने मुझे एक्चुअली बुलाया कि आओ पिक्चर लेके, बट आई एम सो हैप्पी टुडे। वी डन एज प्रॉमिस्ड, मैंने बिलावल और आप लोग कमर जमान कायरा भी दिखाए हैं। नाम मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, मामा ने मुझे भी सिखाया। मुझे पॉलिटिक्स वगैरह का कुछ नहीं पता, बट आई फील लाइक बिलावल इज सच अ स्वीट गाय, आई डोंट नो, बट किसी से आई गेस पहली मुलाकात में पता चल जाता है कि कोई कैसा है, तो आई फील लाइक मुझे बहुत अच्छी वाइब उनसे आई। एंड देन लेकिन मसला ये था कि उनके साथ बहुत सिक्योरिटी आई थी, जिसकी वजह से बाकी जो गेस्ट थे उनका आना बहुत मुश्किल हो गया था। अरे यार यार गुड डे, मैं कहने लगी थी ये सारे ड्रॉबैक्स हैं व्लॉगिंग करने के, क्या आप कभी भी कर सकते हो। सो यार अब जो आगे आने वाले व्लॉग्स होंगे वो ऑब्वियसली शादियों के नहीं होंगे, आज आखिरी दिन था। और दूसरा ये है कि मैं भी अपनी समर वेकेशंस पे हूँ, तो इस वजह से कॉलेज आना तो अब हो नहीं रहा, लेकिन कल से काम वाम शुरू हो जाएगा। पढ़ाई तो वैसे मैं झूठ बोल रही हूँ, गर्मियों की छुट्टियों में मैं पढ़ाई करती नहीं, लेकिन कल से काम पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर राइट नाउ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय, लव यू गाइस।